ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबको स्क्रीन दिख रहा है? देखिए सब पे स्क्रीन पे कैपेसिटर आ रहा है। चलो ठीक है, ठीक है। अभी सबसे पहला काम जो हम लोगों का है, किसी दो कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, दो कैपेसिटर को हम लोग लेते हैं सीरीज में। पहले दो वाला करेंगे, फिर वापस से हम लोग तीन वाले पे आएंगे। और फिर देखो ये दो कैपेसिटर जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे हम लोगों का सीरीज में है, पैरल में है, सॉरी सीरीज को बोल रहा हूँ मैं बार बार, सीरीज नहीं पैरल में ही है, ठीक है। अब ये पैरल में हम लोगों के पास, पैरल के बाद हम लोगों को क्या करना है, वोल्टेज भी चेक करना है, तो ये वोल्ट मीटर आ गया आपका। तो चार्ज चेक करना है तो चार्ज आपको दिखेगा ही। अब पहले सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, देखो ये कितने का है कैपेसिटेंस लगा हुआ है, ये कैपेसिटेंस आपका लगा हुआ है 1 × 10⁻³⁻¹⁰ फैराड का, 2 है, दोनों आइडेंटिकल है, राइट। और आइडेंटिकल है और दोनों किसमें है आपका, देखो दोनों है लगा हुआ पैरल में, तो पैरल में लगा हुआ है तो आपको सिंपली पता है कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग खुद बताओ, देखो 1 × 10⁻⁴ और C अगर पैरल में लगा हुआ है तो उसका नेट कितना होता है, उसका नेट जो आता है वो कितना होगा, C प्लस C दोनों अगर इक्वल है तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, 2C, राइट, 2C होगा ना। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आप नोटिस करोगे इसमें, तो इसमें नोटिस करोगे तो ये चीज देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 1 × 10⁻³⁻ फैराड दिख रही होगी सबको, 1 × 10⁻³⁻ फैराड, ठीक है। ये भी 1 × 10⁻³⁻ फैराड, ये भी 1 × 10⁻³⁻ फैराड। अभी देखो मैं टोटल कैपेसिटेंस जैसे ही ऑन करता हूँ, देखो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया, 0.2 × 10⁻¹² यानी कि 2 × 10⁻³⁻ हुआ, देखो दोनों ऐड हो गया, दोनों ऐड हो गया। क्या ये चीज समझ में आ रहा है सबको, चलिए। इसके बाद आपने देखा था, आपने क्या देखा कि दोनों का वोल्टेज सेम होता था, बोला था पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, राइट। तो अभी ये चार्ज नहीं है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चार्ज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी चार्ज कर दिया और दोनों का हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वोल्टेज कितना है। देखो ये वाला आपका पहला वाला, इसका वोल्टेज देखो कितना वोल्टेज दिख रहा है, 1.35 वोल्ट, क्योंकि वहां पे हमने 1.5 से ही चार्ज करेंगे, तो ये 1.5 हो जाएगा। देखो 1.5 से वोल्ट से इसको चार्ज कर दिया, देखो इस वाले कैपेसिटेंस का 1.5 वोल्ट है, राइट। दूसरे वाले कैपेसिटेंस का भी चेक करोगे तो 1.5 वोल्ट। अभी आप बोलोगे सर दोनों का कैपेसिटर सेम है इसीलिए वोल्टेज सेम आ रहा है, आप कैपेसिटेंस चेंज कर दीजिए। तो चलो मैं कैपेसिटेंस चेंज कर दे रहा हूँ, मैं देखो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ये कैपेसिटेंस मैं कर दे रहा हूँ 2 यूनिट, ठीक है, वो 1 यूनिट था और ये जो है आपका 2 यूनिट, वो आपका 1 यूनिट था और ये देखो अभी 2 यूनिट पे आ गया ये एग्जैक्ट, अभी नीचे वाला 1 यूनिट और ऊपर वाला 2 यूनिट, देखो फिर भी वोल्टेज चेक करते हैं, तो इसका तो चेक नहीं किया है तो इसका तो 1.5 ही रहना चाहिए, देखो इसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट ही है, ठीक है। लेकिन इसको जब देखेंगे तो आप बोलो सर कैपेसिटेंस चेंज हुआ है, बट मैंने बोला था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, देखो पैरेलल में इसका ही वोल्टेज 1.5 वोल्ट आ रहा है। तो क्या ये सबको क्लियर हो गया कि पैरेलल में जितने भी कैपेसिटेंसेस होंगे सबका वोल्टेज सेम होगा, चलो एक चीज सब, दूसरा चीज हम लोग चेक करेंगे। तो दूसरा चीज जब हम लोग चेक करते हैं तो हम लोगों को बताओ कि हम लोग बताते हैं ना कि चार्ज जो आपका होगा वो चार्ज डिफरेंट होगा, राइट। चार्ज आपने जो देखा था वो चार्ज डिफरेंट होगा, देखो तो दोनों के प्लेट में देखो नीचे वाले के प्लेट में नंबर ऑफ चार्जेस देखो प्लस साइन, जो नंबर ऑफ प्लस साइन है नीचे वाले के प्लेट में देखो और ऊपर वाले के प्लेट में देखो, किसमें ज्यादा चार्ज है बाबू,
C1 में ज्यादा चार्ज है या C2 में ज्यादा चार्ज है? C2 में ज्यादा चार्ज है, क्यों? क्योंकि C2 हमने बढ़ा दिया है, C2 देखो 2 यूनिट्स का है, ठीक है, C2 जो है वो 2 × 10⁻³ फैराड है, C2 हमने बढ़ा दिया, तो जैसे ही कैपेसिटेंस बढ़ाया तो उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई, और चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई, देखो इस पे चार्ज ज्यादा आ गया। तो आप देख सकते हो, क्योंकि इस लैब में आप प्लेट चार्ज जो है ना, जो नेट चार्ज है वो हम लोग देख सकते हैं, प्लेट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का चार्ज हम लोग नहीं देख सकते, तो वो मैं अलग से दिखा नहीं सकता हूँ, बट इस पे आपको देख के, क्या सबको ये देख के समझ में आ रहा है कि C1 पे और C2 पे दोनों पे अलग अलग चार्ज है? चलो ओके, अब दो वाली की चीजें जो थी वो हम लोगों का क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग 3 कैपेसिटर पे, राइट, कि 3 कैपेसिटर होगा तब क्या चीजें होंगी, 3 कैपेसिटर पैरेलल में होगा। देखो तीसरा कैपेसिटर आ गया अभी हमारा पैरेलल, तो 3 कैपेसिटर पैरेलल है तो आपको खुद मालूम है, देखो तो C+C+C 3C होगा ना, देखो यहाँ पे 3C आ रहा है, 3C आ रहा है ना, 0.3 आ जा रहा है इंटू, लेकिन पावर एक कम हो गया, 10⁻½ हो गया, देखो तीनों यूनिट सेम है, ये भी 1 यूनिट का, ये भी 1 यूनिट का, ये भी 1 यूनिट का, तो यहाँ फाइनल जो आया वो 3 यूनिट का आ रहा है, क्या ये चीज देख पा रहे हो सब? फॉर्मूला आपका वही लग रहा है, C=C1+C2+C3। चलिए अभी सबका वोल्टेज चेक करते हैं, देखो तो ये दोनों का तो वोल्टेज अभी 3 पैरेलल में हमने चेक किया था, देखो तीनों का, दोनों का वोल्टेज चेक किया, ये C1 का वोल्टेज जो है वो आपका 1.5 वोल्ट, आते हैं C2 पे, C2 का वोल्टेज भी 1.5 वोल्ट, आते हैं C3 पे, C3 का वोल्टेज भी 1.5 वोल्ट। अब आपके माइंड में आ सकता है कि हो सकता है सर तीनों का कैपेसिटेंस सेम है इसीलिए तीनों का वोल्टेज आपका सेम आ रहा है, राइट, तो मैं तीनों का कैपेसिटेंस अब चेंज कर दे रहा हूं, देखो ये 1 यूनिट का था, इसको कर दे रहा हूं 2 यूनिट्स का, ठीक है, ये हो जाएगा 2 यूनिट्स का, और फाइनल ये जो रहेगा ये इसको पहुंचा दे रहा हूं 3 यूनिट्स पे, ठीक है, देखो ये आ गया 3 यूनिट का, देखो C1 C2 C3, ठीक है। अब देखो फिर से तीनों का वोल्टेज चेक करते हैं, फिर से तीनों का वोल्टेज चेक करते हैं, देखो नीचे वाले का ये कितना 1.5 वोल्ट, ठीक है, C2 कितना 1.5 वोल्ट, C3 कितना 1.5 वोल्ट, तो कैपेसिटेंस चेंज करने पे भी आपका वोल्टेज सेम आया। अब आप लोग देखो फिगर देख के बता सकते हो कि सबसे ज्यादा चार्ज कौन से कैपेसिटर पे है, फिगर देख के बताइए कि सबसे ज्यादा चार्ज कौन से कैपेसिटर पे है, कैपेसिटेंस पर डिपेंड नहीं होता, वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है, C3, सब देख पा रहे होंगे कि C3 सबसे ज्यादा चार्ज C3 पे है, और उससे C3 से कम चार्ज किस पे है, C3 से कम चार्ज, C3 से जस्ट कम चार्ज, C2, और सबसे लास्ट वन C1, सबसे लास्ट वन C1, क्यों? क्योंकि इसका कैपेसिटेंस, C1 का कैपेसिटेंस सबसे कम है, C2 का कैपेसिटेंस उससे ज्यादा, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज आया, फिर आपका C3 का कैपेसिटेंस उससे ज्यादा, तो उससे ज्यादा चार्ज आया, राइट। हाँ, एक और दो यूनिट के बीच भी रहेगा तो भी वोल्टेज सेम होगा, वो भी करके दिखा देता हूँ रोशन, देखो एक और दो यूनिट से मतलब ही नहीं है, कैपेसिटेंस देखो ये चेंज कर दिया एक और दो यूनिट के बीच, फिर भी वोल्टेज विल बी सेम, वोल्टेज इज स्टिल 1.5 वोल्ट, वोल्टेज इज स्टिल 1.5 वोल्ट, कैपेसिटेंस कितना भी रहे पैरेलल में, कोई भी कैपेसिटेंस रहे, वोल्टेज विल बी सेम, वोल्टेज विल बी आपका V वोल्ट, जो भी उसके साथ बैटरी लगा हुआ है वो वोल्टेज आपका रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट आते हैं इस चीज का आपका ये चीज, क्या ये कॉन्सेप्ट सबको, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया?
ये बताओ क्या पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अब C1, C2, C3 है, आप देखो तीनों को जोड़ दोगे ना तो 3, 2, 1, 6 यूनिट्स आएगा। देखो कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस भी आपका 6 यूनिट्स दिखा रहा है, 0.6 इंटू 10 to the power -12, यहाँ पे 10 to the power -13 था और यहाँ पे 10 to the power -12 हो गया, इसलिए 0.6 आ रहा है। तो आपका फॉर्मूला क्या लगा? C=C1+C2+C3। ठीक है, चलो अब सिंपल सी चीज, मैं एक चीज आपको एक दूसरा कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल। देखो ये कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें तीन कैपेसिटेंसेस हैं, तीन कैपेसिटेंसेस है ना, आप बता सकते हो इसमें कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल? C1, C2, C3 दिख रहा होगा, कौन एक दूसरे के साथ सीरीज में है और कौन किसके साथ पैरेलल में है? ठीक है, C1 C2 सीरीज में आ रहा है, ठीक है, C1 C2 सीरीज, ठीक है, जिनका C1 C2 सीरीज, अब फिर पैरेलल में कौन है? क्या C1 और C3 पैरेलल में है क्या? ठीक है, आफ्टर कंबाइन, ठीक है, ठीक है, C3 इज इन कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल विद C1, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। C1 और C2 जो है वो सीरीज में है और C1 और C2 के कॉम्बिनेशन के साथ C3 जो है वो पैरेलल में है, ठीक है। चलो ये चीज बताओ, अब आप लोग बता सकते हो कि क्या C1 और C3 का वोल्टेज सेम होगा? सोच के बोलना, क्या C1 और C3 का वोल्टेज सेम होगा? क्वेश्चन ये है, क्या C1 और C3 का वोल्टेज सेम होगा? नहीं। चलिए ठीक है, गुड। क्या C2 और C3 का वोल्टेज सेम होगा? क्या C2 और C3 का वोल्टेज सेम होगा? किसी को यस लग रहा है क्या? यस शीतल, कैसे? दोनों C2 और C3 पैरेलल में नहीं है, तो पैरेलल में नहीं है तो वोल्टेज कैसे सेम होगा C2 और C3 का? C2 एंड C3 आर नॉट इन पैरेलल, तो वोल्टेज सेम नहीं होगा। तो भाई वोल्टेज किसका सेम होगा? तो C1 और C2, अभी आपने खुद बोला कि सर C1 और C2 का कॉम्बिनेशन C3 के पैरेलल के साथ है, तो C1 और C2 दोनों का वोल्टेज मिला करके C3 के बराबर होगा। आओ देखते हैं, देखो C3 का वोल्टेज इज हाउ मच? C3 का वोल्टेज विल बी 1.5 वोल्ट, क्योंकि इसके साथ बैटरी पैरेलल है, ठीक है। लेकिन जैसे आप C1 का चेक करोगे तो देखो वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो गया होगा, 1.5 का आधा 0.75 आया। देखो C1 का वोल्टेज इज हाउ मच? आधा, ठीक है। अब C2 का वोल्टेज भी आधा हो जाएगा, C2 का वोल्टेज भी 0.7। बोलोगे सर आधा आधा कैसे हो रहा है? तो कैपेसिटेंस इक्वल है, तो देखो इसका भी 0.75। लेकिन आप C1 और C2 का देखो एक साथ, मैं अभी ध्यान से देखना कि दोनों का एक साथ ले रहा हूं। देखो दोनों को एक साथ लिया ना, अब दोनों को जब एक साथ लिया तो वोल्टेज दोनों का सेम आ गया। क्या ये चीज क्लियर है सबको? हाँ ठीक है, C1 और C2 का वोल्टेज जोड़ने के बाद जो आएगा वो C3 के वोल्टेज के बराबर होगा।
चलो साथ में एक चीज और नोटिस करते हैं, चलो देखो तो क्या C1 और C2 के प्लेट के बीच, देखो C1 और C2 में प्लस का सिंबल गिनो, C1 और C2 में प्लस का जो सिंबल दिया हुआ है यानी चार्ज का जो सिंबल दिया हुआ है, कोशिश करो तो गिनने का, क्या वो सेम है C1 और C2 में? प्लस का सिंबल गिनिए C1 और C2 में, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? प्लस का जो सिंबल है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या मतलब है इसका कि दोनों पे प्लस का सिंबल सेम है, इसका क्या मतलब हुआ? सीरीज में है और भी कुछ मतलब है इसका? हाँ सेम चार्ज, ठीक है गुड, दोनों का चार्ज इक्वल है, ठीक है दोनों का चार्ज इक्वल है। चलो अभी मैं क्वेश्चन मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, इस बार क्वेश्चन ये है कि मैं C2 की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, C2 की वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूं, C2 को मैं कर दे रहा हूं 2 यूनिट्स, C2 को मैं कर दूंगा। अभी पहले आप लोग ये बताओ कि अगर C2 को 2 यूनिट्स कर देंगे तो, अगर C2 को 2 यूनिट कर देंगे तो क्या C1 और C2 पे चार्ज डिफरेंट होगा अगर C2 को की वैल्यू चेंज कर दी? क्वेश्चन ये है कि C2 की वैल्यू चेंज की जा रही है, क्या C1 और C2 पे चार्ज डिफरेंट होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में रहेगा और सीरीज में चार्ज सेम होता है। देखो ये मैं कर दे रहा हूं 2 यूनिट्स, नीचे वाले C2 को मैंने कर दिया 2 यूनिट्स, ठीक है। देखो देखो अभी भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो है वो चेंज हो गए, पहले से ज्यादा है, ध्यान रखना कि पहले चार्ज से, पहले जो चार्ज था उससे चार्ज यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन इस दोनों पे चार्ज जो है वो सेम है। देखो फिर से प्लस वाला जो साइन है वो ऐड करके देखो, ऊपर वाले में 3, 3 और 3 कितना 9 और 2 11, तो ऊपर भी 11 तो नीचे भी 11, यानी कि दोनों में चार्जेस जो है वो आपका क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन पहले वाले से देखो एक चीज, देखो क्या ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, देखो पहले 1 यूनिट था, पहले का चार्ज देखो, पहले सिर्फ 3, 3 और 2 है यानी कि कम है, लेकिन जैसे ही इसको बढ़ाया तो बढ़ाया अभी तो बढ़ाने पहले से चार्ज बढ़ गया है, लेकिन स्टिल दोनों में चार्ज जो है C1 और C2 में चार्ज सेम है। क्या ये चीज नोटिस कर पा रहे हैं आप लोग? चलिए ओके, किसी को और कुछ वेरिएशन करना है, चार्ज किसी का चेंज करना है, कैपेसिटेंस किसी का चेंज करना है, किसी के माइंड में कुछ भी आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, बताओ। चार्ज क्यों बढ़ गया? चार्ज बढ़ गया क्योंकि इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया था, 2 यूनिट की है ना, और कैपेसिटेंस बढ़ा तो चार्ज बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। किसी के माइंड में कुछ भी और वेरिएशन आ रहा है कि सर इसका वोल्टेज चेंज करके देखे, इसका कैपेसिटेंस चेंज करके देखे क्या होता है, तो बताइए। C3 का कैपेसिटेंस, ओके ठीक है, C3 का कैपेसिटेंस चेंज करते हैं। देखो ये C3 यहाँ पे 2 यूनिट्स था, C3 का कैपेसिटेंस अगर हम लोग चेंज भी करेंगे तो भी क्या होगा सो देखते हैं। ये C3 का कैपेसिटेंस करती है मान लो 3 यूनिट, देखो फिर भी इसका वोल्टेज चेंज होने वाला नहीं है, देखो ये वोल्टेज चेंज होने वाला इसका नहीं है, वोल्टेज पहले भी 1.5 वोल्ट था, 1.5 वोल्ट रह गया, लेकिन C3 का कैपेसिटेंस की चेंज किए तो देखो चार्ज जरूर C3 पे चेंज हो गया, C3 का कैपेसिटेंस चेंज करने पे देखिए C1 और C2 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन C3 पे चार्ज बढ़ता जा रहा है, क्या ये चीज नोटिस कर पा रहे? देखो C3 बढ़ाने घटाने पे
इसका वोल्टेज तो सेम रह रहा है लेकिन C3 बढ़ाने पे इसका चार्ज जो है वो बढ़ जा रहा है। क्या ये सब नोटिस कर पा रहे हैं? नहीं, C4 नहीं लगाना है, C4 का लगाने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं C4 नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है, इसमें तीन ही तक का है, हम लोग तीन कैपेसिटर ही के साथ कुछ कर सकते हैं। चलो एक कॉम्बिनेशन हम लोग लास्ट एक कॉम्बिनेशन हम लोग और ट्राई करते हैं। ठीक है, इस बार दो पैरेलल में और एक सीरीज में, ये देखो। चलो इस बार आप लोग बताइए कौन कौन सा पैरेलल और कौन कौन सा सीरीज। बताओ इस बार कौन कौन सा पैरेलल और कौन कौन सा सीरीज। C2 एंड C3 इन पैरेलल, ठीक है, गुड। C2 एंड C3 सीरीज में, बिल्कुल गलत। C3 सीरीज में है ही नहीं। शीतल, आप लास्ट क्लास नहीं किए हैं क्या? क्लास मत छोड़ा कीजिए, मैं पहले ही बता रहा हूं, जो भी क्लास छोड़ेंगे अगला क्लास में दिक्कत हो जाएगी। C2 and C3 is in parallel, जिनका आंसर ये है C2 and C3 is in parallel, very good। और सीरीज में कौन सा है? सीरीज में बताएंगे कि सीरीज किस में बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड C3 एंड C1 इज इन सीरीज, ठीक है, गुड। कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड C3 विल बी इन कॉम्बिनेशन विल बी इन सीरीज विद C1 एंड C3 इज इन पैरेलल। नहीं, बिल्कुल गलत, C1 एंड C3 पैरेलल में होगा ही नहीं। मैंने पहले ही बताया था कि बीच में कोई डिवाइस जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बीच में कोई डिवाइस जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इसीलिए पहले बेसिक्स बताता हूं। जिनको अभी भी डाउट है वो आप ये डाउट ये चेक करो ना बाबू, ये चीज चेक करो ना कि ध्यान से देखो ना कि यहाँ पे इसके और इसके कॉम्बिनेशन के बीच ये C2 भी तो आ रहा है, ये कहाँ जाएगा। और सीरीज में बताया था ना कि कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वहां से हमेशा बताया कि दो प्लेट ऐसा रहेगा और ये प्लेट के बीच ये ऐसा रहेगा तब सीरीज में होगा, यहाँ से कुछ ऐसा ऐड होना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा निकलना नहीं चाहिए, अगर ऐसा निकल गया दैट मीन्स कि ये सीरीज में नहीं है। ठीक है, ये सीरीज में नहीं है तो यहाँ पे हम लोगों का, फिर से बता रहा हूँ, फिर से ध्यान से देख लो, फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, क्या है यहाँ पे C2 एंड C3 इज इन सीरीज इन पैरेलल, C2 चलो देखते हैं क्या है, C2 एंड C3 इन पैरेलल, ठीक है, C2 एंड C3 इन पैरेलल, और क्या C1 एंड, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, फिर बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान इसकी इन चीजों को भूलिएगा नहीं, नहीं तो क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होगा, अभी न्यूमेरिकल पे आया ही नहीं हूं। C1 एंड C3 नॉट इन सीरीज, नॉट इन सीरीज, ठीक है, और क्या, C1 इज इन सीरीज विथ, C1 इज इन सीरीज विथ, C1 इज इन सीरीज विथ कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड C3 इन कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड C3। क्या सबका डाउट अभी क्लियर हुआ?
चलो ओके नाउ आपने खुद देखा कि पैरेलल में अब आते हैं वोल्टेज और चार्ज पे, और किस किन चीजों की बात की थी हमने, वोल्टेज की बात की थी। हाँ हाँ ठीक है आशीष, मैंने कहा बोला आप गलत बोले, मैंने कहा बोला कि आप गलत बोले। चलो आप पूछिए जेडी, बताइए क्या डाउट है, बोलिए। सर, मतलब इस बोर्ड में अगर हम वायर को इधर से ला करके और इसको ऐड करें तो सर? रेड कलर से कौन लिख रहे हैं, मत लिखिए स्क्रीन पे, हटाइए उसको। फिर से बोलिएगा जेडी सर आप। मैं मिटा हाँ फिर से सर बोलिए एक कौन। सेकंड मिटा दे रहा हूँ अच्छा ठीक है आप ही लिख रहे हैं, सर, बताइए क्या बोलना चाह रहे, बोलिए। कि अगर वायर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ से ऐसे टच हो तो सर? यहां से स्टार्ट होकर के यहाँ पे, ये बोल रहे हैं इस जगह पे, नहीं सर, उसके नीचे यहाँ पे टच हो, नीचे उसके ये सर। बाबू आप कहाँ पे कनेक्ट करना चाह रहे हो वायर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज एक बार फिर से रीड्रॉ करें। सर यहाँ पे सर, यहाँ से वायर आए और नीचे वाले से यहाँ टच हो सर। नीचे वाले से मतलब यहाँ यहाँ पे ये वाला वायर आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, जो नेगेटिव प्लेट है ये वाला वायर। नो, हाँ सर, उसके नीचे नेगेटिव प्लेट के नीचे से। हाँ हाँ नेगेटिव प्लेट के नीचे से ये वाला वायर ये आकर के यहाँ कनेक्ट हो, ये बोलना चाह रहे हो। सर, तो ये वाला कनेक्शन अभी हम लोग नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तब हमारा पैरेलल में नहीं हो पाएगा। तो अगर, और अगर ऐसा होता है तो फिर C1 और C3 पैरेलल में हो जाएगा, ओके सर, समझ आई तो बात। बस उसी से अगर उसको अगर कनेक्ट करेंगे सर तो मतलब फिर ये क्या बनेगा फिर? फिर कैपेसिटर बनेगा लेकिन वो C1 और C3 पैरेलल में आएगा, क्योंकि ये C3 यहाँ पे कनेक्टेड आपने रखा है और इसका एक प्लेट को आप यहाँ ले जा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ले जाओगे तो आपका C1 और C3 कनेक्शन हो जाएगा वो पैरेलल में, और C2 आपका साइड हो जाएगा, समझ पा रहे मेरी बात। अब यस सर, C1 और C3 पैरेलल में हो जाएगा, इन दैट केस C1 एंड C3 पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। यस सर, चलिए ओके, किसी को और कोई डाउट इस पे? अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे हम लोगों के, टेंशन मत लीजिए, अभी सब न्यूमेरिकल्स आएंगे। चलिए अब आप लोग जरा सा ये बताओ, आप लोग ये बताओ कि बाबू वोल्टेज किसका किसका सेम होगा, वोल्टेज किसका किसका सेम होगा। दोनों प्लस नहीं होगा, उज्ज्वल एक प्लस एक माइनस होता है, वो चार्ज करने पे डिपेंड करता है, प्लेट प्लस और माइनस नहीं होता है। आप प्लेट को कैसे भी, नेगेटिव वाला प्लेट को भी पॉजिटिव प्लेट वो चार्ज कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि वोल्टेज किसका किसका सेम होगा, ये जवाब दो। नहीं विपुल, वोल्टेज वोल्टेज पूछ रहा हूं, सोचो। C1 प्लस C2, नहीं C1 और C2 का वोल्टेज हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो पैरल में है ही नहीं। अभी कॉन्सेप्ट ये बताया कि पैरल में जो चीज होता है उसका वोल्टेज सेम होता है, पैरल में जो है उसका वोल्टेज सेम होगा, तो वोल्टेज C2 और C3 का ना सेम होगा। C2 एंड C3 का वोल्टेज विल बी सेम, C2 एंड C3 का वोल्टेज विल बी सेम, ठीक है। ये देखो C2 का और C3 का वोल्टेज यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, कितना है इसका 0.5 वोल्ट, इसका कितना है 0.5 वोल्ट, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन ये है कि किसका और किसका चार्ज सेम होगा। किसका और किसका चार्ज सेम होगा, सोच के बताओ। C2 और C3, देखो C2 और C3 का चार्ज इसलिए सेम है क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है। मैं मान लो इसको 2 यूनिट कर दिया हूं, ठीक है,
अभी मान लो इसको क्या कर दिया, 2 यूनिट करके आसपास कर दिया। अब बताओ कि चार्ज किसका सेम होगा, ठीक है? कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को अभी भी डाउट है। C1 और C2 का नहीं होगा विपुल, C1 और C2 सीरीज में नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि C1 एंड C2 इज नॉट इन सीरीज। C1 एंड C2, यहां पे एक चीज और लिख देता हूं मैं, C1 एंड C2 नॉट इन सीरीज। तो दोनों चार्ज तब सेम होता है जब दोनों सीरीज में हो। तो C1 और C2 का कैसे बोल रहे हो आप विपुल? ठीक है, गुड। C2 और C3 का फिर से बता रहा हूं मैं, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो। यहां क्या लिखा हुआ है, C1 इज इन सीरीज विथ कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड C3, यानी कि C2 का चार्ज जो होगा उसको और C3 का चार्ज जो होगा उसको जोड़ोगे तो जो C1 पे चार्ज होगा वो उसके बराबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि C2 और C3 का कॉम्बिनेशन C1 के साथ सीरीज में है। देखो अगर आप ये चीज नोटिस करना चाह रहे हो, अगर मैं थोड़ा सा नोटिस करना चाह रहे हो, गिनो जरा सा, C2 के प्लेट पे कितने पॉजिटिव सिंबल और C3 के प्लेट पे कितने पॉजिटिव सिंबल, दोनों को जोड़ो। C2 के प्लेट पे देखो, C2 के प्लेट पे 4 पॉजिटिव सिंबल है, C3 के प्लेट पे 3 3 6 2 8, 8 और 4 कितना हुआ, 12। देखो C2 और C3 के प्लेट पे टोटल पॉजिटिव सिंबल जोड़ो, 12 पॉजिटिव सिंबल है। और देखो C1 के प्लेट पे पॉजिटिव सिंबल जोड़ो, C1 के प्लेट पे पॉजिटिव सिंबल जोड़ो, C1 के प्लेट पे भी 12 है। देखो साइड में एक पॉजिटिव सिंबल है बट वो लाइन से ढक गया है, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है, सिर एक लाइन से पीछे ढका हुआ है, ठीक है, तो उसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12। आशीष एक ढका हुआ है, नोटिस कीजिए, आशीष एक ढका हुआ है, थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो लाइन के पीछे ढका हुआ है। क्या सब ये चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि C1 के प्लेट पे 12 सिंबल है? तो यानी कि C1, C2 और C3 का चार्ज मिला करके C1 के चार्ज के बराबर है। ठीक है, क्या अभी सीरीज पैरेलल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब तो किसी को कभी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कैसा क्लियर है? स्प्राइट की तरह क्लियर है कि नहीं?